शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। दशरथ मांझी, जी हाँ, ये वही इंसान है जो अपने मजबूत इरादों के चलते पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब सोचने वाली बात है कि एक 4 फीट 8 इंच का दुबला पतला गरीब मजदूर आदमी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बन गया। तो आइए जानते हैं। दशरथ मांझी का जन्म बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में 14 जनवरी 1929 को हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी में मजबूत इरादे और दृढ़ निश्चय के साथ काम किया था। दशरथ मांझी एक बेहद पिछड़े इलाके से आते थे और दलित जाति के थे। शुरुआती जीवन में उन्हें अपना छोटे से छोटा हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनके गांव में ना ही बिजली थी और ना ही पानी की उत्तम व्यवस्था। उन्हें हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, वो भी एक बड़े पहाड़ को पार करके। दशरथ मांझी ने बहुत कम उम्र में ही अपना गांव छोड़कर धनबाद चले गए और वहां लगभग 7 वर्ष तक कोयला खदान में काम किया, जिसके बाद वापस अपने गांव आ गए थे। गांव लौटकर उन्होंने फल्गुनी देवी से शादी की और अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया, जिससे उनको एक बच्चा भी पैदा हुआ। समय का दौर सही चलता रहा। इसके बाद 1960 में फल्गुनी देवी फिर से गर्भवती हुई। विशालकाय पर्वत को तोड़ने का जुनून। दशरथ मांझी को गहलौर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे दशरथ मांझी के लिए उनकी पत्नी खाना पानी लेकर आ रही थी। तभी उनका पैर फिसला और पहाड़ से नीचे आ गिरी। जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा ना मिल पाने की वजह से उनकी पत्नी का निधन हो गया, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उनकी बच्ची को बचा लिया गया। अगर समय पर दवा और अस्पताल की सेवा मिल पाती तो उनकी पत्नी को बचाया जा सकता था। और फिर क्या था, बस यही बात उनके मन में बैठ गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वो अकेले अपने दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे। अपने संकल्प पर बने रहने के लिए उन्होंने अपने पालतू जानवरों को बेच छेनी हथौड़ा खरीदा और पहाड़ को तोड़ने निकल पड़े। उनको पहाड़ तोड़ता देख गांव वालों ने कहा, अरे तोरी बुद्धि फिर गई है का? कोई इतना परेशान होता है बे? पहाड़ तोड़ना तोरे बस की बात नहीं है। परंतु दशरथ मांझी ने किसी की बात नहीं सुनी और निरंतर पहाड़ को तोड़ता रहा और अपने बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों पर काम को करता रहा। 22 साल तक लगातार पहाड़ तोड़ता रहा। इन 22 सालों में अनेकों मुश्किलों का सामना किया। भूख लगने पर पेड़ के पत्ते तक खाए, पानी ना मिलने पर कीचड़ का पानी तक पिया और बीमार रहने लगा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी और बिना रुके बस पहाड़ तोड़ता रहा। उसके इसी बुलंद हौसले के चलते 1960 से 1982 तक लगभग 22 साल काम किया और एक दिन उसने फतेह हासिल की। लगभग 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा पहाड़ी के बीच रास्ता बनाया और गया के अत्री गांव और वजीरगंज की दूरी को 55 किलोमीटर से मात्र 15 किलोमीटर कर दिया। दोस्तों, इस महान इंसान के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, जिसके बाद दशरथ मांझी ने गहलौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। बाद में मांझी ने कहा, पहले पहले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना दिया और औजार खरीदने में मेरी मदद की। 17 अगस्त 2007 में कैंसर से पीड़ित मांझी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया और पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी जो आने वाले कई पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी। आज मांझी माउंटेन मैन के रूप में जाने जाते हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव रखा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के नाम पर गहलौर से 3 किलोमीटर पक्की सड़क और गहलौर गांव में उनके नाम पर एक अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो आज भी देखा जा सकता है। दशरथ मांझी के ऊपर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन नाम से फिल्म बनाई गई, जिसमें मांझी की भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाई है। ये नए युग का दौर है, ये भगदड़ का दौर है। एक बार उठिए, जगिए, खोजो अपने लक्ष्य को और अपने कठिन मेहनत के साथ काम पर लग जाएं। अगर आज से आपने अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया तो मैं दावा करता हूँ आज हर एक शख्स दशरथ मांझी जैसा फौलाद होगा। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।